दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रसमलाई की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसमलाई, वो भी घर पर बिल्कुल हलवाइयों जैसी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पतीले में मैंने 1 लीटर दूध गर्म करने रख दिया है। ये दूध मैं इस्तेमाल करूँगी छेना बनाने के लिए। छेना बनाने के लिए हमें लो फैट वाला दूध चाहिए होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल नहीं है, फुल क्रीम मिल्क अवेलेबल है, तो फिर पहले उस दूध को गर्म कीजिए, उसकी मलाई निकालिए, फिर से उसको गर्म करके उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। तो जब तक ये दूध हमारा गर्म नहीं होता, हम इसे चलाते रहेंगे नॉर्मल, और जैसे ही इसमें पहला उबाल आएगा हम अपने गैस को फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब बारी आती है दूध को फाड़ने की। आप दूध को फाड़ने के लिए चाहें तो विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 नींबू ले लीजिए, उनको काट के उसका जूस निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ लेमन जूस, क्योंकि लेमन सभी के घर पे अवेलेबल होते हैं। और ये हमारा दूध गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपनी फ्लेम ऑफ और हम चलते हैं अपने छेने का छलना बनाने के लिए। छेने को छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, उसके ऊपर मैं ये ड्रेनर लगा दूँगी। आप चाहो तो आपके पास अगर सूप छानने की छलनी हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ये कॉटन का बैग। मेरे पास कॉटन की बैग अवेलेबल है, इसलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉटन का दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कॉटन का कोई क्लोथ या कोई पीस हो उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा छेना छानने के लिए छन्ना यहाँ पर रेडी है। ये हमारा दूध यहाँ पे लगभग थोड़ा ठंडा हो चुका है। हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, कम 80% ठंडा हमें करना है इसे। और अब हम इसमें डालेंगे वो लेमन जूस। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लेमन जूस लिया है। जितना लेमन जूस है उतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सेम प्रोसेस आपको विनेगर के साथ भी करनी है। अगर आपने 2 चम्मच विनेगर लिया है तो उसमें आप 2 चम्मच पानी ऐड कर लीजिए। अब हम इस पानी को, लेमन जूस को, इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, और हम जैसे जैसे इसे ऐड करेंगे वैसे वैसे हमें दूध को चलाते जाना है। हमें सारा का सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, हमें ग्रेजुअली इसमें लेमन जूस ऐड करना है। ये मैं हमारे छेने में बर्फ़ वाला पानी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो छेना है वो बिल्कुल खुला खुला रहेगा। एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे ही हमारा छेना बन जाता है हमें उसे ज़्यादा चलाना नहीं है और तुरंत ही बर्फ़ वाला पानी ऐड कर देना है। तो चलिए अब हम अपने छेने को छान लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने छेने को छान लेती हूँ उस छलने में जो हमने बनाया था। और अब इसे एक बार छानने के बाद हमें इसे एक बार ज़रूर धोना होगा, क्योंकि धोने से क्या होगा कि हमने जो इसे नींबू डाल के फाड़ा था उसका जो नींबू का टेस्ट होगा वो उस छेने में से निकल जाएगा। तो चलिए हम एक और बार अपने छेने को धो लेते हैं। दोबारा जब हम अपना छेना धोते हैं तब भी हमें बिल्कुल फ्रीज़र वाला ठंडा पानी यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि वो अपनी खुला खुलापन की जो कंसिस्टेंसी है वो मेनटेन कर सके। तो चलिए हम इसे फटाफट धो के अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो ये हमारा छेना धुल चुका है, अब इसे हम लोग निचोड़ लेंगे। इसे आप या तो कंप्लीट हाथ से निचोड़ लीजिए या मेरी तरह, या फिर आप इसे लटका के भी रख सकते हैं जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। मैं इसे यहाँ पे इसका पानी निचोड़ दूँगी सारा का सारा। ये मैंने अपना छेना पूरा निचोड़ लिया है और अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक आराम करने देंगे। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसमें मैं 1/2 लीटर दूध गर्म करूँगी। जब तक हमारा छेना ठंडा होता है, रेडी होता है, उसका सारा पानी निकलता है, तब तक हम अपनी रबड़ी बना लेते हैं। इस दूध में अब मैं ऐड करूँगी कुछ केसर के धागे। केसर के इतने धागे डालने से क्या होगा कि आपकी जो पूरी रसमलाई है उसमें टेस्ट आ जाएगा। तो इसे भी हम लोग लो गैस पे गरम करेंगे उबाल आने तक।
जब तक हमारा ये रबड़ी का दूध गर्म होता है तब तक हम इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने एक चम्मच इलायची पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बादाम पिस्ता थोड़े एक काट के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ये केसर येलो कलर, जो कि बाज़ार में 5-6 रुपए में आराम से मिल जाता है। हलवाई भी इस कलर को ऐड करते हैं। आपको ज़रा सी ही क्वांटिटी लेनी है इस कलर की और उसी से आपकी पूरी रसमलाई में कलर हो जाएगा। और चलिए अब हम अपने फर्स्ट उबाल के आने का वेट करते हैं। हमें इसे लो फ्लेम पे ही गरम करना है। तो यहाँ पे दूध हमारा उबल चुका है, उसमें मैं ऐड करूँगी ये 1 कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा भी सकते हैं। हमें अपनी रबड़ी की कंसिस्टेंसी पतली रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि ये दूध ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। तो चलिए ये हमारा दूध यहाँ पे बन चुका है, उबल चुका है, हमारी रबड़ी तैयार है हमारी रसमलाई के लिए। तो अब हम अपनी छेने के लिए चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, 1 कप शुगर लिया है मैंने यहाँ पे, और मैं उसी के अकॉर्डिंग वाटर भी ऐड कर दूँगी। मैं ऐड करूँगी 1:5 के रेशियो में पानी। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ढक के इसके एक उबाल आने का वेट करना है। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने छेने की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और ये रहा हमारा छेना यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इसे खोल के देखते हैं हम कि कैसा बना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा हमें रसमलाई बनाने के लिए चाहिए, एकदम ड्राई है। ये देखिए मैं कैसे इसे मच रही हूँ। हमें इसे ऐसे ही मच मच के एकदम मक्खन जैसा फाइन बना देना है। डिपेंड करता है आपके टाइम पे को कितना टाइम लगता है, 5 मिनट भी लग सकती हैं, 10 मिनट भी लग सकती हैं। पतीली से कर रही हूँ, वैसे ही आप इसे एकदम, अभी ये दर दरा है लेकिन आप करेंगे तो उसके बाद ये पूरा मलाई जैसा बन जाएगा एकदम। तो ये हमारा छेना आप देखिए मैंने मल लिया है और ये कितना क्रीमी कंसिस्टेंसी जैसा बन चुका है एकदम। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये कॉर्नफ्लोर 1/2 टीस्पून। ऑप्शनल है, बिल्कुल आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी ये इसके बिना भी बन सकता है अगर नहीं है किसी के पास तो। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं रसमलाई तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी वैसी ही रसमलाई बनेगी। तो ये हमारा डो बन के कम्प्लीटली रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी रसमलाइयाँ बना लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने अपने पेड़े रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। इसे आप ऐसे करिए और दोनों हथेलियों के बीच में यूँ दबा दीजिए, ये हमारा रेडी हो जाएगा बनके। तो ऐसे ही हम सभी को अपनी हथेलियों के बीच यूँ घुमाएंगे और दबा के अपने पेड़े रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया और यहाँ पर मेरे पेड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं। ये सभी को मैंने हथेलियों के बीच में रख के यूँ रेडी कर लिया है। अब जैसे ही थोड़ा परफेक्ट उबाल आ जाता है तब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पेड़ों को और कम से कम 15 मिनट तक हम पकाएंगे। तो ये हमारी परफेक्ट चाशनी हो चुकी है, बस इसमें धीरे धीरे करके ये अपने पेड़े ऐड करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे पेड़े धीरे धीरे कैसे फूल चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और इसे पकने देंगे। हमें इसे ऐसे ही धीरे धीरे कम से कम 15 मिनट तक पकाना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जो
छेना के टुकड़े थे वो ऑलमोस्ट कैसे फूल चुके हैं। इसे आप हर दो दो तीन तीन मिनट बाद खोल के देखते रहिए, चेक करते रहिए, और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है कम से कम 10-15 मिनट तक। ढके नेशनल है पर मैं इसे ढक देती हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारी रसमलाई बनके बिल्कुल चाशनी में डूब के रेडी है। अब हम इसे इसी में ठंडा होने देंगे, या फिर आप चाहें तो दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, उसमें ठंडा कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ निकाल लिए हैं और मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ, और फिर ऊपर से इसकी चाशनी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी रसमलाई को ठंडे होने के लिए रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर हम अपनी कंप्लीट रसमलाई सर्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी रसमलाई ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे अपने दूध में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक एक रसमलाई हमें यूँ लेनी है और उसे चम्मच से हल्के हाथ से दबा के, हल्के हाथ से ही दबा के उसे हमें अपने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। ऐसे ही हम सारी रसमलाई लेंगे, ये चम्मच से हल्की सी दबाएंगे, चाशनी निकालेंगे और दूध में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने सारे रसमलाई अपने इस दूध में ट्रांसफ़र कर दी है। अब ये हमारी जो चाशनी बची है इसे हम और भी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी फिर से रसमलाई अगर बनाते हैं तो चाशनी में अपने छेना को उबालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसकी मीठी मठरी बना सकते हैं, नहीं तो हम आटा बांधने के लिए, मीठी पूरी बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी कोई यूज़ है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं और ये हमारी रसमलाई सर्व करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रसमलाई बनके तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।